तो दोस्तों, जो आज का समय है आप लोगों के पास, जो आज का वक्त है, वो गुजर जाएगा। तो उसके गुजरने से पहले आप जितना प्रयास कर सकते हो, जितनी मेहनत कर सकते हो, जितनी कोशिशें कर सकते हो, उतनी कोशिशें करते रहो। अपने आप को कामयाब बनाने के लिए थोड़ा सा पुश लगाते रहो, जिससे आगे जाकर आपको ये एहसास हो कि जो आपने मेहनत पिछले समय में की थी, उसका परिणाम आज आपको मिल रहा है। हेलो एवरीवन, स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त, आपका एजुकेटर अमन शर्मा, और वापस आ गया हूं द हिंदू की खबरों के साथ। आज डेट है मार्च 13, 2019, और डे है वेनसडे। न्यूज़पेपर स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, मैं अन अकेडमी पे एक वेरीफाइड एज वेल एज प्लस एजुकेटर हूं। अन अकेडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे मेरे दो कोर्सेज अवेलेबल हैं। एक कोर्स है मेरा करंट अफेयर शो, एंड उसके साथ साथ मैं वहां पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी कवर करता हूं। तो आप लोग अपने अन अकेडमी की मोबाइल लर्निंग ऐप में मेरा नेम सर्च करके मुझे फॉलो कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं आज के न्यूज़पेपर के साथ, बट उससे पहले कल का सवाल। कल मैंने आपसे पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडियाज एफर्ट टू प्रमोट द जीआई इन द कंट्री आर ट्रू। इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट हैं जो इंडिया ने यहाँ पे एफर्ट दिखाए हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन को यहाँ पे प्रमोट करने के लिए। तीन स्टेटमेंट थी यहाँ पे। पहली स्टेटमेंट कह रही थी, इंडिया इज नॉट ओनली सिग्नेटरी टू द ट्रिप्स एग्रीमेंट बट हैज ऑल्सो इनैक्टेड फ्रेश लेजिस्लेशन, अमेंडेड existing laws and strengthen the domestic legal framework to fulfill the harmonization with the WTO's TRIPS agreement. India सिर्फ और सिर्फ TRIPS की जो agreement है उसकी signatory तो है ही, उसके साथ साथ हमारे कुछ जो domestic laws हैं उन्हें भी हम लोगों ने amend किया है, जिससे जो TRIPS agreement है उसके साथ हम लोग हमारे laws को harmonize कर सकें। दूसरी स्टेटमेंट थी, इंडियाज ह्यूज ज्योग्राफी, इंडिया की जो बड़ी ज्योग्राफी है, पुरानी हिस्ट्री है, उसकी वजह से हमारा जो डाइवर्स और जो डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है, उसकी वजह से हमारे जो जीआई टैग्स हैं वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एज वेल एज जो सीपम है उसको मैंडेट किया गया है टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट दिस डाइवर्सिटी थ्रू दी ज्योग्राफिक इंडिकेशन। ये भी करेक्ट स्टेटमेंट थी। तो पहली वाली दोनों करेक्ट स्टेटमेंट थी। तीसरी वाली जो स्टेटमेंट थी वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है आप लोगों के लिए। आईपी नानी के बारे में चीज़ है कि आईपी नानी क्या है, इंडियाज फर्स्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैस्कट है, जो कि फीचर कर रही है कुछ शॉर्ट एनिमेटेड वीडियोस में, जिनकी मदद से अवेयरनेस स्प्रेड की जा रही है आईपीआर के इम्पोर्टेंस के बारे में, जिससे बच्चों को पता लग सके व्हाट इज आईपीआर। यहाँ पे जो आपके लिए आंसर था वो था डी, ऑल ऑफ द अबव। आज इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ आपको, थोड़ा सा ज़रूरी है। तो सबसे पहले एक्सप्लेनेशन अबाउट द सीपम। सीपम क्या है? सेल फॉर आईपीआर प्रमोशन एंड मैनेजमेंट। जैसे कि नेम सजेक्ट कर रहा है, क्या काम है इसका? आईपीआर का प्रमोशन और उसको मैनेज करना। ये एक प्रोफेशनल बॉडी है, वर्क करती है अंडर द एजेस ऑफ डिप। डिप का नाम बदल चुका है, डिप का नाम चेंज हो गया है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन का नाम चेंज हो चुका है। ये आप लोगों के लिए एक और सवाल है कि उसका नाम क्या चेंज हुआ है। ओके, उसमें एक इंटरनल ट्रेड वाला जो यहां पे डिपार्टमेंट है वो ऐड हो गया है, जो कि पहले मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के पास था। ओके, तो उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर वर्क करता है सीपम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। बेसिक जो मैंडेट है सीपम का वो है कि नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पॉलिसी, जिसको अडॉप्ट किया गया था मई 2016 के अंदर, उसको अडॉप्ट करवाना और उसको सही तरीके से इंप्लीमेंट करना। उस समय जो स्लोगन दिया गया था वो था क्रिएटिव इंडिया, इनोवेटिव इंडिया, और इसने बहुत सारे बड़े बड़े स्टेप लिए हैं जिससे आईपी इकोसिस्टम हमारे देश में और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो सके। देख भी सकते हैं आप लोग, सीपम, क्रिएटिव इंडिया, इनोवेटिव इंडिया, और साथ में यहां पे आप जो एनिमेटेड चीजें देख रहे हो और यहां पे आपको जो नानी की तस्वीर दिखाई दे रही है, इनका नाम है आईपी नानी। सो आईपी नानी क्या है? आईपी नानी इज अ टेक सेवी, स्मार्ट है, इंटेलिजेंट ग्रैंड मदर है, जो कि यहां पे हेल्प करती हैं सरकार को और एनफोर्समेंट एजेंसी को जो आईपी से रिलेटेड क्राइम्स होते हैं उनसे लड़ने के लिए। अब इस एनिमेटेड वीडियोस के अंदर एक और यहां पे कैरेक्टर है जिसका नाम है यहां पे छोटू। तो आप छोटू कैरेक्टर भी देख सकते हो। जो छोटू है उसका बेसिकली नाम है आदित्य, और यहां पे ही इज अ फन लविंग स्पोर्ट्स एंथुजियास्ट और एक ग्राफिक डिजाइनर है बाय प्रोफेशन, और ये आईपी नानी का ग्रैंडसन है और असिस्ट करता है आईपी नानी को आईपी क्राइम से कॉम्बैट करने के लिए। तो दो इंपॉर्टेंट यहां पे कैरेक्टर हैं एनिमेटेड वीडियोस के अंदर, जिनकी मदद से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बारे में अवेयरनेस फैलाने की कोशिश की जा रही है। आज का सवाल आप लोगों के लिए, क्वेश्चन ऑफ द डे है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द ग्राफीन आर ट्रू। ग्राफीन से रिलेटेड कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है? तीन स्टेटमेंट है। पहली स्टेटमेंट कह रही है कि ग्राफीन क्या है? एक एलोट्रोप है कार्बन का।
एक और आपके लिए क्वेश्चन है, आपको डिफरेंस पता होना चाहिए आइसोटोप के बीच में और एलोट्रोप के बीच में। मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी नोटिस करता हूँ कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आइसोट्रोप क्या होता है और एलोट्रोप क्या होता है। आज आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करके बताना है। तो ग्राफीन क्या है? एलोट्रोप है कार्बन का, कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ कार्बन एटम अरेंज इन अ हेक्सागनल लैटिस। दूसरी स्टेटमेंट है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल है जिसको अभी तक टेस्ट किया गया है और ये हीट को आराम से कंडक्ट कर लेता है बट नॉट इलेक्ट्रिसिटी और ट्रांसपेरेंट होता है। तीसरी स्टेटमेंट है, ग्राफीन शीट्स आर थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल, थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल होती हैं इफ इट्स साइज इज लेस देन अबाउट 20 नैनोमीटर। आपको बताना है इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन है A1 and 2, B2 and 3, C1 and 3 या डी, ऑल ऑफ द अबव। अपने अपने आंसर्स आप लोगों को पता है कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर रहे हैं और कल इसका आंसर आप लोगों के लिए आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं आज के पेज नंबर 1 के साथ। द हिंदू पे आपको खबर मिलती है, नो नेम्स रिमूव्ड बेस्ड ऑन ड्राफ्ट एनआरसी सेज इलेक्शन कमीशन। कल मैंने आपको बताया था जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं यहां पे असम के, उन्होंने यहां पे क्लैरिफिकेशन करते हुए स्टेटमेंट दी थी कि जिन लोगों के नेम एनआरसी से एक्सक्लूड किए गए, जो 40 लाख लोगों के नाम एनआरसी से एक्सक्लूड किए गए थे, उनको भी यहाँ पे वोट करने का अधिकार होगा जिनके नेम्स यहाँ पे इलेक्टोरल रोल्स के अंदर हमें देखने को मिलेंगे। इस चीज़ को यहाँ पे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने क्लैरिफाई किया था। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को एश्योरेंस देते हुए बताया कि जो नेम्स हैव नॉट बीन डिलीटेड फ्रॉम द असम इलेक्टोरल रूल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सक्लूजन फ्रॉम द ड्राफ्ट नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। एनआरसी के अंदर जो चीज़ों को एक्सक्लूड किया गया है, जो 40 लाख लोगों को एक्सक्लूड किया गया है, ऐसा नहीं है कि उन लोगों को इलेक्टोरल रोल्स से भी एक्सक्लूड किया गया हो। उन लोगों को इलेक्टोरल रोल्स से एक्सक्लूड नहीं किया गया है तो इसलिए उनको वोटिंग का पूरा अधिकार मिलेगा। और यहाँ पे जो चीफ जस्टिस रंजन गोगोई जी थे उनकी बेंच हमें सेटिस्फाई होती हुई नहीं नज़र आई यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इस आर्ग्यूमेंट से। यहाँ पे चीफ जस्टिस रंजन गोगोई जी ने एक चीज़ बोली कि जो बड़ा सवाल है वो ये है कि आप लोगों को जो फाइनल जो एनआरसी की लिस्ट है वो पब्लिश करनी है July 31st, 2019 को। व्हाट वुड हैपन टू दोज हु डू नॉट अपीयर देयर बट आर इंक्लूडेड इन द इलेक्टोरल रोल्स। उन लोगों का क्या होगा जो कि यहां पर एनआरसी के अंदर तो इंक्लूड नहीं होंगे, फाइनल लिस्ट जो हमारे सामने आएगी July 31st को उसके अंदर इंक्लूड नहीं होंगे बट वो इलेक्शन के अंदर वोटिंग के अंदर यहां पे पार्टिसिपेट करेंगे, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप क्या करोगे? ठीक है, द कोर्ट फर्दर डायरेक्टेड द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कि जल्द से जल्द यहाँ पे डिटेल्स हमारे सामने रख दी जाएं इलेक्टोरल रोल से रिलेट करते हुए। ऑन January 1st, 2017 जो आए थे, January 1st, 2018 में जो इलेक्टोरल रोल्स आए थे और 2019 के January 1st तक जो इलेक्टोरल रोल्स हैं असम के अंदर, वो सारी की सारी चीज़ों को यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दिया जाए। फिर सुप्रीम कोर्ट एनालाइज करेगी और देखते हैं इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें आती हैं जब जैसे जैसे केस आगे बढ़ता है। पेज नंबर 1 पे ही आपको एक और खबर मिलती है, We cannot kill jobs in cracker industry, says Supreme Court. तो 2018 की जो दिवाली थी उसके अराउंड यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर निकालते हुए बोला था कि जो फायर क्रैकर्स हैं उनको बैन कर दिया गया है और यहां पे सिर्फ और सिर्फ ग्रीन क्रैकर्स का इस्तेमाल होगा। और यहां पे कुछ टाइमिंग भी सुप्रीम कोर्ट ने सामने रख दी थी कि कितने बजे से कितने बजे तक ही यहां पर आप लोग क्रैकर्स फोड़ सकते हो। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट हमें यू टर्न लेटा हुआ नजर आया है फ्रॉम इट्स 2018 अक्टूबर 23rd ऑर्डर, जहाँ पे उन्होंने बैन कर दिया था मैन्युफैक्चर, सेल और यूज ऑफ लाउड एंड टॉक्सिक फायर क्रैकर्स और बोला था सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ग्रीन और इम्प्रूव्ड क्रैकर्स का ही इस्तेमाल होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बोला है कि वो लोगों की जॉब्स को नहीं किल कर सकते जो कि लोग यहाँ पे फायर क्रैकर इंडस्ट्री के अंदर वर्क कर रहे हैं। मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी, जिस समय सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर 2018 के अंदर ये ऑर्डर सुनाया था उस समय सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि इससे किसी भी जॉब के ऊपर इम्पैक्ट नहीं होगा क्योंकि जो लोग यहाँ पे फायर क्रैकर इंडस्ट्री के अंदर हैं वो फायर क्रैकर की जगह यहाँ पे अब ग्रीन फायर क्रैकर बनाने लगेंगे तो लोगों का इन्वॉल्वमेंट दोनों में उतना ही होगा तो शायद लोगों की जॉब नहीं जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट का बिल्कुल भी मकसद यहां पे नहीं था कि लोगों की जॉब को इंपैक्ट करना, पर जैसे कि हम लोगों ने बहुत सारे केसेस देखे अलग-अलग जगह पर देखे, खासकर यहां पे तमिलनाडु के अंदर देखे, वहां
पर बहुत सारे लोगों ने अपनी नौकरियां खो दी, लाइवलीहुड खो दिए, और उसी के बाद यहां पे जो केसेस हैं वो सुप्रीम कोर्ट के सामने आए, और सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि यहां पर लोगों की जॉब्स को वो नहीं छीन सकते जस्ट बिकॉज कि फायर क्रैकर इंडस्ट्री को उन्हें स्टार्व आउट करना है। और यहां पे इसी चीज़ को बोला है कि अगर हम यहां पे पैसे नहीं दे सकते हैं, जॉब्स नहीं दे सकते हैं, लोगों को सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं जिन लोगों ने अपनी नौकरियां खो दी हैं, तो हमारे पास कोई भी ऐसा अधिकार भी नहीं है कि हम उनको अनएम्प्लॉय कर दें, ठीक है, कि हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट कर दें। ऐसा यहां पे जस्टिस बोबडे ने बोला है, ओके, जस्टिस एस ए बोबडे ने बोला है। देखो पहले जो ये वाली जो पर्टिकुलर बेंच है जो कि ये केस सुन रही थी, ये जस्टिस ए के सीकरी जी हियर कर रहे थे। अब जस्टिस ए के सीकरी जी की हो चुकी है रिटायरमेंट, तो उनके बाद जो सीनियर मोस्ट जज हैं वो यहां पे हैं जस्टिस बोबडे, और जस्टिस बोबडे जो है वो आगे आने वाले हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी हैं, ओके। तो इसीलिए यहां पर अब जो स्टेटमेंट्स हैं और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इन्होंने इसी चीज़ को बार बार बोला है कि अगर सर कोर्ट यहाँ पे, अगर कोर्ट यहाँ पे जॉब्स जनरेट नहीं कर सकती तो कोई कोर्ट के पास अधिकार भी नहीं है लोगों की नौकरियाँ छीनने का। तो यहाँ पे हमें कोर्ट एक यू टर्न लेती हुई नजर आई है, और यहाँ पे आप देखो अभी कोई भी कंसेंसस नहीं बैठ रहा है कि किसी के भी बीच में कि असलियत में ग्रीन फायर क्रैकर्स जो होंगे, जो ग्रीन क्रैकर्स होंगे उनके अंदर क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स होंगे, वो क्या क्या कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, सिवाक्सी डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु के अंदर, उसको हम लोग कहते हैं कि वो बेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, बेस्ट मतलब वो हब है क्रैकर मैन्युफैक्चरिंग का, ओके। अब उस हब को डिस्ट्रॉय किया जा चुका है, वहां पे कोई भी लाइवलीहुड नहीं है, यहां पे आप लोग लैक्स ऑफ पीपल यहां पे अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं। तो जो अक्टूबर के अंदर बैन था वो यहाँ पे फाइल किया था एक 6 महीने के बच्चे ने और एक 14 मंथ के बच्चे ने, तो दो छोटे बच्चे थे, उनके फादर ने एज अ गार्जियन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटीशन फाइल करी थी, क्योंकि यहाँ पे दोनों बच्चों ने ये बोला था कि हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं जिस वजह से दिल्ली एक गैस चैम्बर क्रिएट हो जाता है। वैसे दिल्ली के अंदर उसी समय पर आप देखोगे स्टबल बर्निंग का इम्पैक्ट होता है, पॉल्यूशन बढ़ जाता है, और उसी समय पर यहाँ पर दिवाली का त्यौहार भी होता है, तो यहाँ पे फायर क्रैकर्स की वजह से भी पॉल्यूशन हमें बढ़ता हुआ नज़र आता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिस वजह से दिल्ली बन जाता है एक गैस चैम्बर, और यहाँ पे उन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात हुई। जस्टिस बोबडे जी ने एक बड़ी स्टेटमेंट देते हुए बोला कि यहाँ पे फायर क्रैकर्स को यहाँ पे शट डाउन करने से अच्छा है हम लोग बिगर पॉल्यूटेंट के ऊपर ध्यान दें, जो कि हैं हमारे व्हीकल्स, वाहन, क्योंकि यहाँ पे जो नॉर्मल पॉल्यूशन लेवल है वो लो होता अगर यहाँ पे व्हीकल्स के ऊपर ज़्यादा रोक लगाई जाती। तो ये पहली बार ऐसा हुआ है जब यहाँ पे जस्टिस बोबडे कि बेंच ने यहां पर इस पर्टिकुलर केस को सुना। द केस वॉज प्रीवियसली हर्ड बाय जस्टिस ए के सीकरी जो कि रिसेंटली रिटायर हो गए। जस्टिस बोबडे इज इन लाइन टू बी द नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसके साथ साथ इस पूरी की पूरी हियरिंग में जस्टिस बोबडे जी एक ही चीज को रिइटरेट करते गए, रिपीट करते रहे कि यहां पे अनएम्प्लॉय करने का सुप्रीम कोर्ट का कोई भी मकसद नहीं था। यहां पे कुछ इंडस्ट्री के लोगों ने इस तरीके की भी आर्ग्यूमेंट करी है कि 6,000 करोड़ रुपीज पर एनम का नुकसान हुआ है यहां पे सुप्रीम कोर्ट के बैन के बाद, और कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट टू ऑक्यूपेशन के ऊपर भी यहां पे सवाल खड़े हो गए हैं। और जो नुकसान है वो यहां पे स्टेट गवर्नमेंट का भी हुआ है जो कि यहाँ पे बहुत सारे टैक्सेस लेती थी यहाँ पे क्रैकर्स के ऊपर, इसके साथ साथ लोगों की लाइवलीहुड का भी हुआ है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको रिलेट करना है। कोर्ट ने जो पहले वर्डिक्ट सुनाया था, कोर्ट ने बोला था कि राइट टू पब्लिक हेल्थ और राइट टू ऑक्यूपेशन ऑफ द इंडस्ट्री के बीच में बैलेंस करके यहाँ पर डिसीजन सुनाया गया है। मैंने आपको बताया क्योंकि उनको क्या लग रहा था कि यहाँ पर जो ग्रीन क्रैकर्स हैं वो तो बनने चालू हो जाएंगे, तो ग्रीन क्रैकर्स वाली इंडस्ट्री के अंदर जो लोग हैं उनको लाइवलीहुड मिलने लगेगा, बट ग्रीन क्रैकर्स बनने चालू नहीं हुए। तो एक कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन यहां पर फ्रायर क्रैकर्स वाली इंडस्ट्री के अंदर आ गई है। आगे बढ़ते हैं, आगे आपको खबर मिलती है सिटीजंस प्रोटेस्ट अगेंस्ट थ्रेट टू यूज द ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट। यहां पे जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट है उससे रिलेट करते हुए बेसिकली ये जो राफेल वाली जो डील है उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है, जिसके ऊपर सरकार यहाँ पे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंदर मामला दर्ज करा सकती है द हिंदू के खिलाफ एज वेल एज ANI के खिलाफ। तो जो सिटीजन्स हैं वो यहाँ पर इसी के खिलाफ यहाँ पर प्रोटेस्ट करने उतर आए हैं, उनको डर लग रहा है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से, ओके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एक आर्टिकल था, बेसिकली इसकी हेडलाइन ये थी, और इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी नॉन रेलिवेंट चीज़ें थी आप लोगों के लिए। बस इतनी चीज़ें आपको पता है कि आज की डेट में क्या केस
चल रहा है, क्या मामला चल रहा है। पेज नंबर 5 पे आपको एक और खबर मिलती है, एनुअल फेस्टिवल बिगिंस एट साबरीमाला। तो साबरीमाला के बारे में यहाँ पे बात हो रही है और एनुअल फेस्टिवल यहाँ पे लॉर्ड अयप्पा टेम्पल जो है साबरीमाला के अंदर वहाँ पे चालू हो गया है। अब इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर बहुत ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स हैं कि किस पर्टिकुलर फेस्टिवल को क्या कहते हैं, किस आरती को क्या कहते हैं, दे आर नॉट रेलिवेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। आपको साबरीमाला के बारे में वो वर्डिक्ट पता होना चाहिए जो 28th ऑफ सेप्टेम्बर को हम लोगों के सामने आया था। तो 28 सितंबर को क्या केस साबरीमाला का क्या जजमेंट आया था, तो 5 जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने 4-1 के मेजॉरिटी डिसीजन से ये फैसला लिया कि साबरीमाला टेंपल के अंदर अब महिलाएं भी एंटर कर पाएंगी। बोला कि महिलाओं की डिग्निटी और राइट टू इक्वालिटी को ध्यान में रखते हुए महिलाओं की एंट्री यहाँ पे हो जानी चाहिए साबरीमाला अयप्पा टेंपल के अंदर। जो साबरीमाला टेम्पल है वो केरला के अंदर है, केरला का जो पेरियार टाइगर रिजर्व है उसके प्रमाइसिस के अंदर आपको साबरीमाला टेम्पल मिल जाएगा और वहाँ पे बेसिकली जो महिलाएं 10 टू 50 इयर्स के बीच की थीं, ओके, जो कि यहाँ पे मेंस्ट्रुअल एज के अंदर हैं, उनका जाना निषेध था, उनका जाना वर्जित था, बट सुप्रीम कोर्ट ने अपने यहाँ पे कड़े फैसले के बाद, बड़े डिसीजन के बाद यहाँ पे साबरीमाला टेम्पल के अंदर जाना अलाउ कर दिया। बहुत सारी रिव्यू पिटीशन गई, उनको भी सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट करती रही, बट फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने अब उसके ऊपर जो रिव्यू पिटीशन है उसे सुनने का फैसला कर लिया है। अभी रिसेंटली जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं यहाँ पे केरला के, उन्होंने भी यहाँ पे इस चीज़ को अनाउंस किया है कि साबरीमाला टेम्पल से रिलेट करते हुए कोई भी कैंडिडेट, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी यहाँ भी कोई भी स्पीच, कोई भी मैनिफेस्टो में इंक्लूड नहीं करेगी। अगर करेंगे तो उनको यहाँ पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर कड़े यहाँ पे पनिशमेंट दिए जाएंगे। द रीज़न इज़ क्योंकि यहाँ पे रिलीजन का नाम इस्तेमाल करना, भगवान का नाम इस्तेमाल करना यहाँ पे बिल्कुल गलत माना जाता है, इलेक्टोरल ऑफेंस है ये। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि साबरीमाला से रिलेट आज की डेट में चल रही हैं। इसके साथ पेज नंबर 7 पे आपको खबर मिलती है, इंडिया टेस्ट फायर्स गाइडेड रॉकेट सिस्टम पिनाका। पिनाका सिस्टम के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, तो DRDO ने यहाँ पे सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया द इंडिजीनियसली डेवलप्ड गाइडेड रॉकेट सिस्टम, जिसको हम लोग पिनाका के नाम से जानते हैं। और कहाँ पे इसकी टेस्ट फायरिंग हुई, पोखरण के अंदर हुई। पोखरण कहाँ पे, राजस्थान के अंदर है। आपने पिक्चर भी देखी होगी पोखरण, व्हाट अ फैबुलस पिक्चर वाज इट। और यहाँ पे आप देख सकते हो टेस्ट फायरिंग किस तरीके से हो रही है। अब ये जो पिक्चर है इसे अपने ब्रेन में रखना, ओके, ये यहाँ पे सिस्टम है और इस सिस्टम में से यहाँ पे रॉकेट निकल रहा है। अब पिनाका रॉकेट के बारे में कुछ चीज़ें जो आप लोगों को पता होनी चाहिए वो ये है कि पिनाका रॉकेट जॉइंटली डेवलप है बाय द पुणे बेस्ड आर्मामेंट रिसर्च डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट AIDE, साथ में है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट लेबोरेटरी DRDL जो कि हैदराबाद के अंदर लोकेटेड है, साथ में रिसर्च सेंटर है एट MRAT। तो यहाँ पे ये तीन चीज़ों ने मिलकर पिनाका रॉकेट को यहाँ पे बनाया है। इस रॉकेट का नाम पिनाका क्यों रखा गया है, द बो ऑफ लॉर्ड शिवा, भगवान शिव जी का जो बो है उसको पिनाका के नाम से जानते हैं, इसीलिए इसका नाम पिनाका रॉकेट रखा गया है। और इट इज़ फायर्ड यूजिंग द मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर की मदद से यहाँ पे पिनाका रॉकेट को फायर किया जाता है, जो कि एक साथ 12 रॉकेट को भी फायर लॉन्च करने की कैपेबिलिटी रखता है विद एक्सप्लोजिव विद इन 44 सेकेंड्स, 44 सेकेंड के अंदर अंदर यहाँ पे फायर करने की कैपेबिलिटी रखता है और 4 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया एट अ टाइम डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसके पास कैपेबिलिटी है यहाँ पे बहुत सारे वॉरहेड्स को, अब बहुत सारे अलग अलग टाइप के वॉरहेड्स को यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करने की, और इट इज़ वेरी डेडली फॉर द एनिमी। और वहाँ पे जो सॉलिड स्ट्रक्चर्स होते हैं, बंकर्स होते हैं, उनको भी डिस्ट्रॉय करने में ये सक्षम है। इसका जो क्विक रिएक्शन टाइम और हाई रेट ऑफ फायर है वो यहाँ पे एक एज देता है हमारी इंडियन आर्मी को लो अमाउंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन के अंदर। साथ ही इंडियन आर्मी ने पहले भी पिनाका रॉकेट का इस्तेमाल किया कर चुकी है, खासकर हम लोगों ने पिनाका मार्क 1 का इस्तेमाल किया था 1999 कारगिल कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, जिसमें हम लोगों ने पाकिस्तान को हराया था। और साथ ही इनिशियल वर्जन जो था पिनाका मार्क 1, इट वाज अपग्रेडेड इनटू द पिनाका मार्क 2, जिसके अंदर एनहांस्ड रेंज करी गई थी ऑफ 70-80 किलोमीटर विद अ 5 मीटर एक्यूरेसी कंपेयर टू मार्क 1 विद अ रेंज ऑफ 40 किलोमीटर। तो मार्क 1 40 किलोमीटर की रेंज पर था और यहाँ पे जो मार्क 2 है पिनाका रॉकेट का वो 70-80 किलोमीटर की रेंज के बीच का है।
आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 7 पे, आपको खबर मिलती है 10% कोटा आई स्टेप टुवर्ड्स द कास्टलेस सोसाइटी। कल मैंने आपको 10% कोटा बिल के बारे में कुछ चीजें बताई थी, बेसिकली 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 के बारे में चीजें बताई थी, जिसने यहाँ पे 10% का कोटा प्रोवाइड किया, रिजर्वेशन प्रोवाइड किया इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को। और यहाँ पे जो कोटा प्रोवाइड किया गया है वो ओपन कैटेगरी में से किया गया है। यहाँ पे केस वही है कि 50% का जो मार्क है उसे ब्रीच करके उसके पास जाके यहाँ पे कोटा प्रोवाइड किया है, जो कि यहाँ पे कहीं ना कहीं 1992 के जो इंदिरा स्वानी जजमेंट है उसके खिलाफ जा रहा है। इंदिरा स्वानी जजमेंट में इस चीज़ को साफ कर दिया था कि इकोनॉमिक क्राइटेरिया कोई सोल क्राइटेरिया नहीं हो सकता है रिजर्वेशन का, और साथ ही यहाँ पे 50% का जो मार्क है उसको ब्रीच नहीं किया जाना चाहिए। अब इसी के पर्टिकुलर रिस्पेक्ट में जो यूनियन गवर्नमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट को रिप्लाई दे रही है, उसके अंदर बोला है यूनियन गवर्नमेंट ने कि जो 10% कोटा लॉ है वो एक बहुत बड़ा स्टेप है टुवर्ड्स द क्लासलेस एंड कास्टलेस सोसाइटी। सेंटर यहां पे कोर्ट के पिछले डिसीजनों को रेफर कर रही थी, जहां पे कोर्ट ने खुद बोला था कि इकोनॉमिक इक्वालिटी हमारे देश में आनी चाहिए, वो फाइनल हमारा डिसीजन होता है, फाइनल हमारा गोल होता है, एंड ओनली सॉल्यूशन टू दी बी सेटिंग प्रॉब्लम्स ऑफ द कंट्री ये है कि इकोनॉमिक बेसिस पे यहां पे रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाए। ऐसे पहले सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है अपने यहां पे लगातार वर्डिक्ट के अंदर। यहां पे इसी चीज को बोला यूनियन गवर्नमेंट ने कि जो 103 अमेंडमेंट एक्ट है 2019 वाला वो बेनिफिट कर रहा है इकोनॉमिकली सेक्शन ऑफ दी सोसाइटी को, जिनको एग्जिस्टिंग कोटा स्कीम के अंदर रिजर्वेशन स्कीम के अंदर कवर नहीं किया गया था। यहां पे सरकार का कहना है कि इससे 135 करोड़ लोगों का बेनिफिट होगा, जो कि ज्यादातर लोअर मिडिल क्लास कैटेगरी के अंदर आते हैं या बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर आते हैं। सरकार ने यहां पे 2010 की एक रिपोर्ट को भी कोट आउट किया, जो कि यहां पे कमीशन फॉर इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस, जिसको उस समय चेयर कर रहे थे मेजर जनरल एसआर सिन्हो, उन्होंने यहां पे चीजें बोली थी। उन्होंने बोला था कि 18.2% ऑफ द जनरल कैटेगरी आती है बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर, उसके बेसिस पे यहां पे सरकार ने बोला है हम लोग 10% कोटा बिल लेकर आए हैं। यहां पे उन्होंने बोला है कि 13 पेज का एफिडेविट, जो कि यहां पे 1985 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जजमेंट के अंदर केसी वसंत कुमार वर्सेस कर्नाटका वाला जो केस था उसके अंदर जो हमारे सामने आया था, उसने एक चीज को कोट किया था यहां पे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और हमारे बापू महात्मा गांधी जी के यहां पे विजन को, जो कि कहते थे कि यहां पे जो पॉइंट होना चाहिए वो होना चाहिए इकोनॉमी ऑफ द फैमिली। यहाँ पे जो मेन जो पॉइंट होना चाहिए वो होना चाहिए इकोनॉमी ऑफ द फैमिली, ना कि यहाँ पे कास्ट, एंड इट शुड बी द डिटरमाइनिंग फैक्टर ऑफ सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस। ऐसा जवाहरलाल नेहरू जी ने और महात्मा गांधी जी ने बोला था। यहाँ पे बोला गया है कि जो सरकार ने जो 10% वाला लॉ प्रोवाइड किया है वो एक क्वांटिफाइबल डेटा के थ्रू किया है। यहाँ पे बहुत सारी कमिटीज़ के डेटा आए, बहुत सारे देशों के अंदर जा जाकर यहाँ पे बात की गई, बहुत सारी स्टेट्स की भी विश मानी गई जो वो लोग चाहते थे, उसके बाद ही यहाँ पे 10% कोटा को इंट्रोड्यूस किया। साथ ही सरकार ने इस चीज़ को बोला कि यहाँ पर जो कोटा बिल है उसका मेन मकसद है टू अचीव द कास्टलेस एंड क्लासलेस सोसाइटी। देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या बड़ा डिसीजन सुनाती है, क्या इंदिरा स्वानी जजमेंट को सामने रखेंगी या यहाँ पे इंदिरा स्वानी जजमेंट को यहाँ पे साइड में रखकर और यहाँ पे 10% कोटा बिल को अप्रूव किया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। और यहाँ पे इसी चीज़ को आर्ग्यू किया गया है कि सिर्फ और सिर्फ अमेंडमेंट टू एन आर्टिकल वुड नॉट वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे सरकार ने बोला सिर्फ यहाँ पे कुछ अमेंडमेंट हो जाना कुछ आर्टिकल्स के अंदर वो यहाँ पे पूरे के पूरे बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं करेगा, जो आर्टिकल 15(6) और आर्टिकल 16(6) जो यहाँ पे ऐड किए गए हैं वो यहाँ पे किए गए फॉर द एडवांसमेंट ऑफ द इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, जो कि यहाँ पे इन कंफर्मिटी विद द प्रिंसिपल ऑफ रिजर्वेशन एंड अफर्मेटिव एक्शंस हैं। यहाँ पे बोला गया कि जो 50% की जो सीलिंग की बात बार बार की जा रही है वो सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लासेस से रिलेट करती थी, जो नया वाला जो प्रोविजन है वो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का है, तो वो यहाँ पे आउट ऑफ द बॉक्स जाकर 50% की सीलिंग को क्रॉस कर सकता है। इसी चीज़ को बोला गया कि द लिमिट ऑफ 50% इज ओनली एप्लीकेबल टू रिजर्वेशन अंडर आर्टिकल 15(4), 15(5), 16(4) एंड डज नॉट अप्लाई टू द आर्टिकल नंबर 15(6). आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 10 की तरफ, यहाँ पे आपको खबर मिलती है द डे फॉर अजर्स यूएनएससी लिस्टिंग ऑल आईज ऑन चाइना। तो आज है 13th of March, अगर आज भी चाइना यहाँ पे अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल नहीं करता है तो हमारे लिए बहुत ही खुशी की खबर आ जाएगी कि यहाँ पे मसूद अजहर को लिस्ट करवाया जा सकेगा एज ग्लोबल टेररिस्ट
बाय दी 1267 अलकायदा कमेटी, जिसका हम लोग बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। ना जैसे मोहम्मद को सबसे पहली बार 2001 के अंदर यहाँ पे लिस्ट किया गया था एज दी एंटिटी, और 2008 में जब हमारे मुंबई में अटैक हुआ था उसके बाद हम लोगों ने लगातार पिटीशन डाली कि मसूद अजहर को यहाँ पे हम लोग लिस्ट करा सकें एज दी ग्लोबल टेररिस्ट बाय दी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, बट चाइना बार बार अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल कर देता था। ये फोर्थ अटैम्प्ट है इंडिया का जहाँ पर इंडिया कोशिश कर रहा है कि अच्छी तरीके से यहाँ पर मसूद अजहर को लिस्ट आउट करा जा सके। और आप ये भी मान सकते हो कि इस समय जो ग्लोबल प्रेशर चल रहा है शायद उसको ध्यान में रखते हुए चाइना वीटो पावर ना लगाए। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर। आगे आपको पेज नंबर 13 पे खबर मिलती है, आईआईपी ग्रोथ स्लोस टू 1.7%, रिटेल इन्फ्लेशन राइजेस टू 2.57%। तो ये जो सारी की सारी चीज़ें होती हैं कि क्या बढ़ रहा है क्या घट रहा है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बट फॉर दी एग्जामिनेशन आपको आईआईपी के बारे में पता होना चाहिए। नाउ व्हाट इज़ दी आईआईपी? आईआईपी है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। बेसिकली ये इंडेक्स है जो कि हम लोगों को हेल्प करता है, सरकार को हेल्प करता है, जो यहाँ पे इन्वेस्टर्स हैं उनको हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने के लिए कि अलग अलग जो सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के उनके अंदर कैसी ग्रोथ चल रही है, जैसे माइनिंग है, इलेक्ट्रिसिटी है, मैन्युफैक्चरिंग है, उनके अंदर क्या क्या यहाँ पे ग्रोथ चल रही है। तो आप कह सकते हो आईपी एक शॉर्ट टर्म इंडिकेटर है हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ का, जो कि यहाँ पर हमको एक बड़ा रिजल्ट देता है। और जो आईआईपी है उसको रिलीज करता है सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ स्ट्रेटेजिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, और आईआईपी को पब्लिश मंथली किया जाता है 6 वीक्स आफ्टर द रेफरेंस मंथ्स एंडेड। और यहाँ पर आईआईपी के बाद यहाँ पे हमारे पास एक बड़ा सर्वे आता है जिसको बोलते हैं एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज, और एक नेशनल अकाउंट्स स्टैटिस्टिक्स भी आता है जैसे जीडीपी के जिसमें डेटा अवेलेबल्स होते हैं, तो उनसे भी हम लोग आईआईपी के जो मंथली डेटा होते हैं उससे हम लोग एक बड़ा डेटा भी बाद में क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। जो बेस ईयर होता है ऑफ दिस इंडेक्स इज गिवन 100 की वैल्यू दी जाती है। करंट जो बेस ईयर है वो 2011-12 है। सो इफ द आईआईपी रीड्स 180, इसका मतलब ये होता है कि 80% इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई है एज कंपेयर टू द बेस ईयर ऑफ 2011 एंड 2012। अब यहाँ पे एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज के बारे में बात हुई, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन दोनों में अंतर क्या होता है, आईआईपी में और एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज में क्या अंतर होता है। देखो, दोनों ही इंडस्ट्रियल आउटपुट डेटा को कैप्चर करते हैं, मॉनिटर करते हैं, उनके लिए हम लोग इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज की बात करें तो वो एनुअल बेसिस पे किया जाता है, ईयरली बेसिस पे किया जाता है, और उसको कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एक्ट के अंदर यहाँ पे कलेक्ट की जाती हैं चीज़ें। जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि कॉम्प्रिहेंसिव और डिटेल स्टैटिस्टिक्स आ सके इंडस्ट्रियल सेक्टर से रिलेट करते हुए, और ऑब्जेक्टिव ये है कि एस्टिमेट किया जा सके कि बेसिकली क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है अलग अलग इंडस्ट्रीज का हमारी नेशनल इनकम के अंदर। जो ASI का जो डेटा है इट इज़ बेस्ड ऑन द एक्चुअल बुक ऑफ अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स मेंटेन्ड बाय रजिस्टर्ड फैक्ट्रीज। आईपी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, आईपी यहां पे मंथली होता है, डेटा होता है आईपी का जिसको अलग अलग सोर्सेस से यहां पे लिया जाता है, अलग अलग एजेंसीज से यहां पे लिया जाता है अंडर डिफरेंट एक्ट्स एंड स्टैट्यूट्स। जो आईपी है उसको कंपाइल किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ डेटा सोर्स फ्रॉम 16 मिनिस्ट्रीज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स। तो आपको ये वाला एक ग्राफ देखने को मिला होगा आज द हिंदू के पेज नंबर 13 में, जहां पे बताया गया है कि आईपी थोड़ा सा स्लो डाउन हो गया है पर हमको थोड़ी सी राइज देखने को मिली है फूड के प्राइस के अंदर। ओके, तो 1.7 यहां पे पहुंच गया है। 8 core इंडस्ट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है आईआईपी से रिलेट करते हुए, जो कि 40.27% ऑफ द टोटल वेट ऑफ आईआईपी कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। कौन कौन सी हैं? इलेक्ट्रिसिटी है, स्टील है, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स है, क्रूड ऑयल है, कोल है, सीमेंट है, नेचुरल गैस है और फर्टिलाइजर्स हैं। आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 18 पे, आपको खबर मिलती है यहां पे इंडियन ओशन मिशन मेक्स फर्स्ट ब्रॉडकास्ट। तो यहां पे ब्रिटिश का एक मिशन चल रहा है जो कि यहाँ पे बेसिकली ब्रॉडकास्ट कर रहा है बहुत सारी चीज़ें समुंदर के नीचे जो हैं उनको यहाँ पे ब्रॉडकास्ट करने की कोशिश की जा रही है, और इंडियन ओशन के अंदर है। और यहाँ पे जो ब्रॉडकास्ट है वो पहली बार लाइव किया गया और टेलीविज़न क्वालिटी पे उसको लाइव किया गया, और उस चीज़ों को ही यहाँ पे बताया गया है। आगे आपके लिए खबर मिलती है पेज नंबर 18 पे, इंडियाज न्यूएस्ट फ्रॉग इवॉल्व्ड 60 million years ago। तो इट इज़ जस्ट 2 centimeter लॉन्ग एंड स्पॉट्स पेल ब्लू स्पॉट्स हैं उसके ऊपर। इस पर्टिकुलर फ्रॉग के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, ब्रिलियंट ऑरेंज कलर की यहाँ पे थाइज हैं इस पर्टिकुलर फ्रॉग की, और इसका नाम है द ड्वार्फ स्टारी ड्वार्फ फ्रॉग। क्या नाम है इसका? स्टारी ड्वार्फ फ्रॉग। ये एक नॉक्टर्नल एम्फीबियन है, नॉक्टर्नल मतलब ये रात में जगता है, जो कि यहाँ पे अंडर द लीफ
रहता है अंडर द माउंटेन टॉप ऑफ केरलास वायनाड। तो केरला का जो वायनाड वाला जो रीजन है वहां पे ये फ्रॉग देखने को मिलता है। तो आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 18 पे ही आपको एक और खबर मिलती है, बायोडाइवर्सिटी रिच जोन्स ऑल्सो हॉटस्पॉट्स ऑफ ह्यूमन इम्पैक्ट। यहाँ पे बात हो रही है कि ह्यूमंस ने कितना ज़्यादा इम्पैक्ट किया है और सारी स्पीसीज के ऊपर, और हम लोगों ने 84% ऑफ द अर्थ सरफेस की जो यहाँ पे स्पीसीज हैं उनके ऊपर इम्पैक्ट किया है, और उस वजह से बहुत सारी स्पीसीज यहाँ पे थ्रेटन्ड कंडीशन में और एंडेंजर्ड कंडीशन में भी आ चुकी हैं। यहाँ पे जो स्टडी है उसको पब्लिश किया एक PLOS बायोलॉजी नाम के एक इंटरनेशनल जर्नल के अंदर, जिस जो कि डेडिकेटेड है टू द बायोलॉजिकल साइंस। यहाँ पे बेसिकली साउथ ईस्ट एशियन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की बात करें, जिसके अंदर यहाँ पे इंडिया के बायोडाइवर्सिटी रिच वेस्टर्न घाट्स, हिमालयाज और नॉर्थ ईस्टर्न पोजिशन भी आते हैं, वो इस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर आते हैं। और इंडिया की जो रैंक है वो है 16th इन सच ह्यूमन इम्पैक्ट, जहाँ पर 35 स्पीसीज इम्पैक्ट हुई हैं ऑन एन एवरेज। यहाँ पे एक टीम ऑफ साइंटिस्ट थी जिसको जेम्स एलन लीड कर रहे थे, उन्होंने मैप किया यहाँ पे कि जो 8 ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जिनमें हंटिंग है, यहाँ पे कन्वर्जन है नेचुरल हैबिटेट का एग्रीकल्चर के अंदर, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उनका क्या इम्पैक्ट रहा है और बाकी स्पीसीज़ के अंदर। वो एरिया थे जो कि ऑक्यूपाई कर रहे थे अराउंड 5,457 थ्रेटेंड बर्ड्स, मैमल्स और एम्फीबियंस को। अब अगर हम लोग सोर्सेज की माने जिनको रिसेंटली अपडेट किया गया, ह्यूमन फुटप्रिंट डेटा को जिसको रिसेंटली अपडेट किया गया, उस चीज़ में ये चीज़ देखी गई है कि यहाँ पे 1,237 स्पीसीज आर इम्पैक्टेड बाय थ्रेट इन मोर देन 90% ऑफ देयर हैबिटेट। यहाँ पे बताया गया कि 395 स्पीसीज आर अफेक्टेड बाय थ्रेट अक्रॉस देयर एंटायर रेंज, पूरी की पूरी रेंज में जहाँ पर भी वो रहते हैं उनमें इम्पैक्ट हो रहा है 395 स्पीसीज के ऊपर। यहाँ पे जो इम्पैक्ट है रूट्स का वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रहा, फिर क्रॉप लैंड्स का यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाईएस्ट इम्पैक्ट रहा, जिसकी वजह से यहाँ पे थ्रेटन स्पीसीज के ऊपर बहुत ज़्यादा खतरा आया। यहाँ पे मलेशिया की जो रैंक है वो फर्स्ट आती है अमंग दी कंट्रीज विद दी हाईएस्ट नंबर ऑफ इम्पैक्टेड स्पीसीज, ओके 125। इंडिया की रैंक है यहाँ पे 16th, यहाँ पे 35 थ्रेटन स्पीसीज इम्पैक्ट हो रही हैं, अफेक्ट हो रही हैं ऑन एन एवरेज। साउथ ईस्ट एशियन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की बात करें जिनके अंदर इंडिया के वेस्टर्न घाट्स आते हैं और उनके अंदर हमारे हिमालयास भी आते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न पोर्शन भी आता है, दे आर अमंग द हॉटस्पॉट्स ऑफ द थ्रेटन्ड स्पीसीज। तो यहां पे हमारी जो एक्टिविटीज है उनकी वजह से कितनी ज्यादा स्पीसीज को इंपैक्ट हो रहा है। बेसिकली यहां पे इनको कूल स्पॉट्स भी कहा जा रहा है। अब ये जो शब्द है कूल स्पॉट, ये क्या है? आपसे डायरेक्टली यहाँ पे सवाल आ सकता है, व्हाट इज दिस कूल स्पॉट? कूल स्पॉट यहाँ पे वर्ल्ड के लास्ट रिफ्यूजीज वेयर द हाई नंबर ऑफ थ्रेटन्ड स्पीसीज आर स्टिल परसिस्ट, वो जगह, वो सारी की सारी पोजीशंस जहाँ पर आज भी बहुत सारी मात्रा में थ्रेटन्ड स्पीसीज लाइव हैं, रहती हैं। तो कूल स्पॉट्स कुड बी द रिजल्ट ऑफ प्रोटेक्शन और बिकॉज ऑफ द इंटैक्ट हैबिटेट दैट हैज नॉट बीन क्लियर्ड येट। तो यहाँ पे कूल स्पॉट का जिक्र आया जो इस पर्टिकुलर पूरे आर्टिकल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट शब्द था। अब इंडिया के पास वर्ल्ड के सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है और हम लोग उसको और भी ज़्यादा प्लान करने की, बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उस वजह से आगे जाकर और भी ज़्यादा खतरा आ सकता है हमारे देश की इस कुछ स्पीसीज़ के ऊपर। और अगर हम लोगों ने यहाँ पे वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली क्रॉपिंग पैटर्न्स नहीं अप्लाई किए, कंजर्व नहीं किया अपने वाइल्ड लाइफ को, तो यहाँ पर हमारे ऊपर और भी ज़्यादा ख़राब इम्पैक्ट आ सकता है। एग्रीकल्चर क्रॉप्स के ऊपर जिस तरीके से हम लोग फोकस कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे सपोर्ट करते हैं कंजर्वेशन ऑफ क्रिटिकली एंडेंजर्ड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, तो हम लोग उन्हीं क्रॉप्स को क्यों नहीं उगा रहे हैं जो कि यहाँ पे स्पीसीज की भी मदद करें और यहाँ पे ह्यूमंस की भी मदद करें। तो ये कुछ बड़े सवाल हैं जो कि इस पर्टिकुलर आर्टिकल में आप लोगों के लिए थे। ऐसा लगा आप लोगों को, आप लोग लाइक का बटन दबाकर मुझे बता सकते हो। आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। सो लव एंड पीस फ्रॉम माई साइड, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर गाइस, एंड हैव अ गुड डे अहेड।